से उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज जो है मैं अपने हमारे जो ये घर है यहाँ पे सेंटिंग का काम चल रहा है, देख सकते हैं इधर ऊपर दिख रहा होगा सेंटिंग का यह काम चल रहा है। एक ठो कमरा पट्टा जो है पीट एक ठो कमरा का पट्टा जो है पीट चुके हैं, थोड़ा बीच में एक बीम देंगे तो वहाँ इंच पर थोड़ा सा बचा है, बाकी काम हो चुका है यहाँ का। एक और कमरा है बचा है, वहाँ पे फिर सेटिंग करेंगे, पट्टा ख़त्म हो गया है तो लेने जाना पड़ेगा फिर से। तो सुबह जो है काम कर रहा था और मैं ऊपर से गिर गया तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं दिख रहा है ये जो है यहाँ पे कील जो है पूरा अंदर घुस गया, लगभग एक इंच पूरा एक डेढ़ इंच पूरा अंदर घुस गया। तो मुझे फिर टिटनेस लगाने जाना पड़ा क्योंकि मेरा हाथ पूरा खून से लाल हो गया था, बहुत खून निकल रहा था तो पूरा खून से भर गया था, पूरा हाथ पूरा लाल हो गया था। तो फिर मैं टिटनेस लगाने गया और उसके बाद आके काम फिर से क्या कर रहा था। अभी ये कमरा है सेटिंग हो चुका है, थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा था उसमें, वो जो मन रहा है उसको वहाँ पर दिया जाएगा। ये जो है अपना एक कमरा सेंटिंग हो चुका है और एक कमरा बचा है सेंटिंग करने के लिए। ये थोड़ा बादल कर रहा है फिर धूप कर रहा है फिर बादल कर रहा है फिर धूप कर रहा है, लगता है अभी दो चार दिनों में फिर से बारिश हो जाएगा जैसे लग रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा बादल थोड़ा धूप है। और अभी मैं इधर ऊपर थोड़ा खड़ा हूँ, थोड़ा ऊपर आ गया हूँ लेंटर के, ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये हमारा गांव है, ये थोड़ा जंगल टाइप का है, खेत खलियान है इधर और यहाँ पर ही थोड़ा बचा है, थोड़ा थोड़ा गैप है तो उसमें कार्टून भर देंगे। और इधर एक कमरा है सेंडिंग करने के लिए बाकी है, ये तो हो चुका है अपना हिल तक मर रहा है। इसको दो चार दिन में पूरा निपटाना है, अभी हम जो है घर जाएंगे खाना खाएंगे, खाना नहीं खाया हूँ अभी अभी ना आया हूँ तो खाना खाएंगे, फिर उसके बाद जो है थोड़ा आराम करेंगे फिर शाम को फिर से काम करेंगे यहाँ पे ये भी फिर काम करेंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, तो फिर कल मिलेंगे।